डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेवंथ मैथ एक्सरसाइज 8.2 के सम करेंगे फोर्थ एंड फिफ्थ। फोर्थ सम स्टूडेंट्स, फाइंड ए पार्ट 15% ऑफ 250। इसको हम क्या लिखेंगे, 15/100। 15% को क्या लिखेंगे, 15/100, और ऑफ के स्थान पर आएगा मल्टीप्लाई का साइन, और ये 250। अब जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, फाइव की टेबल से 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25 और कैंसिल नहीं होता, तो ये हो गया अपना 75/2। 75/2 को डेसिमल में या मिक्स में कन्वर्ट कर दो, 2 3 जा 6 बचा 1, ऊपर 5, 2 7 जा 14 बचा 1, ये यहाँ इसको क्या लिखेंगे, 37 × 1/2। परसेंट नहीं आएगा इसमें, इसका परसेंट ही हमने ये निकाला है, 1% ऑफ ए 1 आवर। इसको हम लिखेंगे 1% ऑफ ए 60 मिनट्स। 1 आवर में 60 मिनट्स होती है। अब लिखेंगे 1% को क्या लिखेंगे, 1/100 और ऑफ के जगह मल्टीप्लाई का साइन, और ये 60। जीरो से जीरो कैंसिल, 2 3 जा 5 6, 2 5 जा 10 और इसको लिखेंगे 3/5 मिनट्स। अब सी पार्ट, 20% ऑफ ए RS 2500। इसको लिखेंगे 20/100 मल्टीप्लाई 2500। 20 से 20 कैंसिल हो गई, और 25 की और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो लास्ट में एज इट इज, 25 2 जा 50 RS 500। 75% ऑफ 1 kg, इसको लिखेंगे 75% ऑफ 1000 g, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अब 75/100 मल्टीप्लाई 1000, 75% को 75/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और ये 1000। 20 से 20 कैंसिल हो गई, और 75 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 ग्राम। ये अपना फोर्थ सम कंप्लीट हो गया। अभी फिफ्थ सम करते हैं। फिफ्थ सम स्टूडेंट्स, फाइंड द होल क्वांटिटी इफ 5% ऑफ इट इज 600। वो होल क्वांटिटी, पूरी क्वांटिटी या पूरी मात्रा हमने निकालनी है जिसका 5% 600 है। जो भी होल क्वांटिटी है उसका 5% 600 है, वो क्वांटिटी हमने निकालनी है, तो उसके लिए हमें सपोज करेंगे, सपोज द होल क्वांटिटी इक्वल टू एक्स। अब 5% या फिर यू लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 5% ऑफ एक्स इक्वल टू 600। जो होल क्वांटिटी है उसका 5% क्या है, 600। तो इट मीन्स ये हुआ कि 5% ऑफ एक्स इक्वल टू 600 है। अब 5/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और ये एक्स इक्वल टू 600। एक्स इक्वल टू 600 डिवाइड 5/100। जब इस 5/100 को राइट साइड लेके जाएंगे तो ये x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, उधर जाके डिवाइड करेगा,
एक्स इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई 100 बाई 5। जब डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो उसका जो उसके बाद जो फ्रैक्शन है वो उल्टी हो जाती है, उसका जो डिनोमिनेटर वो नंबरेटर और नंबरेटर को डिनोमिनेटर। इसको हम रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं, इसको हम इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी बोल सकते हैं। अब 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 बन जाए 5, बचे 1, 5 टू जा और 0। 120 की और 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 और 2 टाइम 0 इसके पीछे हो तो ये आ गया 12,000। क्या है ये x की वैल्यू। अब ये लाइन सपोज हटा के हमने नीचे फिर लिखनी है, सो द होल क्वांटिटी इक्वल टू 12,000। वो क्वांटिटी 12,000 है जिसका अगर हम 5% निकाल लेंगे तो वो 600 आएगा स्टूडेंट्स। ये अपना ए पार्ट हो गया, अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट क्या है, 12% ऑफ इट इज आरएस 1080। तो सपोज इसमें भी यही करना है, सपोज द होल क्वांटिटी एक्स अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट क्या है, इसका 12% आरएस 1080 है। 12% ऑफ एक्स इक्वल टू आरएस 1080, इसको लिखेंगे 12/100 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 1080। अब x इक्वल टू 1080 डिवाइड 12/100, x इक्वल टू 1080 मल्टीप्लाई 100 बाई 12 से कैंसिल होता है, 12 बन जा और इसको करेंगे तो 12 9 जा 108 और साथ में 0। 90 की और 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9,000। ये x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। अब ये नीचे लिखनी है, सो द होल क्वांटिटी इक्वल टू आरएस 9,000। जब हम 9,000 का 12% अगर निकाल लेंगे तो 1080 आएगा। अब सी पार्ट करते हैं, पार्ट है स्टूडेंट्स, 40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर। वो क्वांटिटी हमने निकालनी है जिसका 40% अगर हम निकालें तो वो 500 किलोमीटर आना चाहिए। सपोज द होल क्वांटिटी इक्वल टू एक्स अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट इसका 40% 500 किलोमीटर होना चाहिए। 40% ऑफ एक्स इक्वल टू 500 किलोमीटर, 40/100 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 500 और x इक्वल टू 500 डिवाइड 40/100, x इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई 100/40। डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई होते क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या उल्टी हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जीरो से ये जीरो काट देंगे और फोर से कंप्लीट करता है, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 0 लास्ट में यू पी यू और 25 5 जा 125। और क्वांटिटी क्या आ गई, 1250 किलोमीटर। जब हम इसका 40% निकाल लेंगे तो स्टूडेंट्स 500 किलोमीटर आएगा। अब हम डी पार्ट करते हैं, डी पार्ट है स्टूडेंट्स, 70% ऑफ इट इज 14 मिनट्स।
इसका 70% निकालेंगे तो 14 मिनट्स आएंगे। सपोज द होल क्वांटिटी एक्स अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट इसका 70% कितना आएगा 14 मिनट्स। 70/100 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 14, एक्स इक्वल टू 14 डिवाइड 70/100 और एक्स इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 100/70। 0 से 0 कैंसिल हो गई, 7 बन जा 7 2 जा 10 की और 2 की मल्टीप्लाई 20, एक्स की वैल्यू आ गई। ये अब इसमें लिखनी होती है शो द होल क्वांटिटी इक्वल टू 20 मिनट्स। जो भी यूनिट दी गई स्टार्टिंग में वो लास्ट में लिखनी जरूरी है। ये डी पार्ट हो गया, अब ई पार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स बिल्कुल इजी है, सारे एक जैसे हैं, एक बार अगर ध्यान से समझ लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। 8% ऑफ ए इट इज 40 liters। सपोज द क्वांटिटी एक्स अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट 8% ऑफ एक्स इक्वल टू 40 liters। 8/100 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 40 और एक्स इक्वल टू 40 डिवाइड 8/100 एक्स इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 100/8 और 8 से 40 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ गया 500। सो द होल क्वांटिटी इक्वल टू 500 liters। और इसी के साथ अपना 5th सम कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स 6th सम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।